मुंबईला ड्रग्सचा विळखा पडत चालल्याचं दिसतंय. मुंबईतील मालवणी पोलिसांनी अंमली पदार्थ तयार करणाऱ्या एका लॅबचा पर्दाफाश केलाय. कांदिवलीतील इस्लाम कंपाऊंड इथं नूर आलम शेख हा आरोपी एका छोट्या खोलीतच ही लॅब चालवत होता. मालवणी पोलिसांनी त्याला अटक केलेली आहे. त्याच्याकडून ड्रग्स बनवणाऱ्या उपकरणांसह 1,17,00,000 औषधं जप्त करण्यात आली. 5 जानेवारीला अब्रार इब्राहिम शेख या आरोपीला MD ड्रग्ससह पकडण्यात आलं होतं. त्याच्या चौकशीतून या अवैध लॅबची माहिती मिळाली होती. एक आरोपी नूर आलम महमूद आलम चौधरी, जो की शिक्षण से BHMS डॉक्टर है, थोड़ा मतलब साइंस टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो भी स्पोर्ट से ही पुलिस को मिला और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत का 503 ग्राम MD तैयार मात्रा में, प्लस उसको तैयार करने का बहुत सारे केमिकल्स भी स्पोर्ट्स से ही पुलिस ने ताबे में लिए हैं. घटनास्थळावरून आढावा घेतलाय आमचे. अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस. प्रतिनिधि अश्विनी पांडे यांनी. इस वक्त मैं इस्लाम कंपाउंड में हूँ, जहाँ पर करीब 10x12 के एक छोटे से रूम में बाकायदा ड्रग्स की फैक्ट्री चलाई जा रही थी. आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ. ये किचन बनाया गया है छोटे से रूम में और केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करके यहाँ पर मेफेड्रिन नामक ड्रग को बनाया जा रहा था. ये यहाँ पर ड्रग्स बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो ये कि चूँकि आसपास का जो इलाका है और रिहायशी है बहुत कंजेस्टेड झुग्गी बस्तियाँ हैं, ऐसे में किसी को शक नहीं जाएगा कि बाकायदा यहाँ पर ड्रग्स की फैक्ट्री चलाई जा रही है. लेकिन अब्रार नामक एक शख्स की गिरफ्तारी ने पुलिस को इस झुग्गी बस्ती में चल रहे ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचा दिया, जहां से 1 करोड़ के आसपास की ड्रग्स, साथ ही ड्रग्स बनाने वाले केमिकल और मशीन को पुलिस ने जब्त किया है. 24 साल का जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जानकारी के मुताबिक वो BHMS की पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर की डिग्री लेने की कोशिश में था, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर उसने ड्रग्स के इस धंधे में हाथ आजमाना शुरू किया. कई महीनों से यहाँ पर वो ड्रग्स बनाने का काम कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली और कार्रवाई हो चुकी है. फिलहाल पुलिस उसके वो तार ढूंढने में जुटी है कि ये सप्लाई किसे करता था, ये ड्रग्स से जुड़े जो सामग्रियाँ उसके पास से बरामद हुई हैं, उसने कहाँ से लाई, ये तमाम फिलहाल जो चीज़ें हैं जाँच का विषय है, जिस पर फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है. कैमरा पर्सन नरसिंह बालकुंडरा के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई.